शहर काजी साहब, ईद की नमाज़ कब है और कितने बजे है थोड़ा बताइए, और क्या गाइडलाइन है आपकी बात? देखिए, अभी हमारा रोज हिलाल कमेटी की मीटिंग यहाँ चल रही है और जगह जगह से इत्तलाएँ हासिल की जा रही हैं, लेकिन अभी तक जो इत्तलाएँ हासिल हुई हैं उसके हिसाब से ईद का चांद आज नज़र नहीं आया, और कल इंशाल्लाह रमज़ान की 30 तारीख होगी, 30वां रोज़ा होगा, और परसों इंशाल्लाह 11 तारीख को जुमेरात के दिन ईद उल फित्र मनाई जाएगी, और ईदगाह बिजनौर में ईद की नमाज़ इंशाल्लाह सुबह 8 बजे अदा की जाएगी। प्रशासन की तरफ से और कोई गाइडलाइन? प्रशासन की जो हुकूमत की गाइडलाइन है कि सड़कों पर नमाज ना हो, उसका हमने पूरी तरीके से लोगों से अपील की है कि किसी भी तरीके से सड़कों पे कोई नमाज अदा ना करे, ईदगाहों के अंदर, मस्जिदों के अंदर नमाज अदा करे। बिजनौर में ईदगाह की बराबर में हमारा एक बहुत बड़ा बाग है, हमने उस बाग के अंदर इंतजाम करा है, जो लोग अगर ईदगाह भर जाती है, जगह नहीं मिल पाती, तो वो ईदगाह की बराबर में ही बाग है, उस बाग के अंदर हमेशा से नमाज होती है, कई साल से जब से ये सड़क पर नमाज की पाबंदी हुई है, ईदगाह के अंदर इंतजाम कर दिया जाता है, वहाँ पे लोग चले जाते हैं, नमाज अदा करते हैं। इंशाल्लाह इस साल भी सुकून के साथ, आफिया के साथ बिल्कुल नमाज होगी और कोई किसी तरीके की परेशानी नहीं होगी। कितने लोग ईदगाह पे नमाज पढ़ते हैं? पिछली बार कितने रहे हैं? आपकी बार क्या ईदगाह हुआ? पे तकरीबन 25 से 30 हज़ार आदमी यहाँ पर नमाज पढ़ते हैं बिजनौर की ईदगाह में। जी, आपकी बार क्या इंतजाम रहे हैं? वही सब इंतजाम है हमारे, जिस तरीके से होता है 8 बजे नमाज है जी, और सब इंतजाम हो चुके हैं। आज भी प्रशासन के लोगों ने ईदगाह का दौरा किया है, मैं भी मौजूद था, सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे देख ली गई हैं, जो हमारी है वहाँ पर हमने डिमांड रखी थी जिन जिन काम होगी प्रशासन ने वो सब काम वहाँ करा दिए हैं, और सब काम इंशाल्लाह सुकून के साथ हो जाएगा। ठीक।